हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास की मैथ की रहेगी और मैथ में हम आपको बताने वाले हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके से आप निकाल सकते हो। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैट्रिक्स का इन्वर्स शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने मनोज सर वाले चैनल पर डाली थी, तो बोल रहे थे सर इसमें शॉर्ट ट्रिक तो कुछ है नहीं। वो मैंने बोर्ड के हिसाब से बताया था, लेकिन अभी भी आपको चाहिए कि हम शॉर्ट ट्रिक्स जानना चाह रहे हैं कि सर इसकी शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा उत्तर ठीक है या गलत है, हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में हम मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स। तो इनवर्स निकालना है आपको मैट्रिक्स का, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल से 2-3 स्टेप बताऊंगा और पूरा आंसर आपका आ जाएगा चुटकियों में। देखिएगा किस तरह से आप निकालोगे। बिल्कुल एकदम ऐसा इजी और एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ जाओ और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखिएगा भाई, एक काम तो कॉमन करना होता है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, यानी कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। सबसे पहले भाई ये काम तो करना ही करना है। आप बोलोगे कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक? इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, इसका क्या मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते हैं हम, ये जो चीज़ है इसके सापेक्ष इसका क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। चलिएगा विस्तार किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले ऊपर वाली ये वाली संख्या लेंगे, ओके। जब हम पहले एक ये वाली संख्या लेंगे, जब ये वाली संख्या लेंगे तो आपको देखो ध्यान से समझो, ये ऊपर वाली तो लाइन से कोई लेना देना है ही नहीं आपका। ऊपर वाली लाइन को छुपा लो, ऊपर वाली लाइन छुपा लो और ये छुपा लो, तो कितना दिखाई देगा आपको? 3 0 -2 1, ये दिखाई देगा। तो ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें पढ़ेंगे 3 1 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 3, कितना हो गया 3 1 3, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है ये तो दबा हुआ है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें पड़ी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें पड़ेंगे, 2 -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है चलिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट, अब के ये वाली वैल्यू लेंगे हम दूसरी वाली, और दूसरी वाली वैल्यू का चिन्ह बदल देते हैं। हमेशा याद रखना, दूसरी वाली वैल्यू का चिन्ह बदल देते हैं, दूसरी वाली वैल्यू का चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का 2 है तो हमने लिख दिया माइनस का 2, यदि ये माइनस का 2 होता तो यहाँ पर प्लस का 2 लिख देते, ओके। हमेशा याद रखना दूसरी वाली वैल्यू का चिन्ह बदल देंगे। अब देखिएगा ऊपर वाली लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, अब बीच वाली लाइन को छुपा लो क्योंकि हमने बीच वाली से लिया है 2, तो अब क्या दिखाई देगा, -1 0 0 1 दिखाई देगा। तो -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो -0 आएगा। देखिए ये फॉर्मूला में माइनस होता है इसलिए माइनस लगाया है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्यों, क्योंकि हमने ये दाब लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब इसकी बारी आएगी, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख लेंगे, ओके चलिएगा। जब माइनस का 2 लिख लिया, अब देखिएगा अब इस वाली लाइन को छुपा लेंगे, तो इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस का 2 आएगा, कितना आएगा प्लस का 2, क्यों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे प्लस का 2 आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 आएगा, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिएगा 1 से तो कोई लेना है, 3 में से 1 गया, 3 में से 0 गया तो 3 ही आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। मैथ के स्टूडेंट हो इतना आप समझ गए होंगे, राइट। अब देखिएगा ये -1 में 0 गया, 0 से तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे माइनस का 1 बच्चा, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए -2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 × 2 माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 में से 4 गए तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 का मॉड कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। तो ए का मॉड याद रखना, कभी भी यदि ए इनवर्स सॉरी ए का जो मैट्रिक्स है यानी कि ये आपका 0 आ जाए तो कभी भी इनवर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि ये 0 तो है ही नहीं तो इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो आप याद रखना, यदि यही मान 0 आ जाए तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, कभी सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है, ओके। यदि ये 0 ना आए, कुछ माइनस में प्लस में कोई भी संख्या आ जाए तो इनवर्स होगा। चलिए तो ए का मॉड निकालना आ गया, ये तो बहुत ही सिंपल है, ए का मॉड निकालना आ गया अब आपको। चलिएगा अब दूसरा स्टेप आप समझ लीजिए, दूसरे स्टेप से पूरा खत्म एक ही बार में, देखिए कैसे खत्म होगा। नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि भाई ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको बस अब एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ओ ए कैसे निकालोगे उसके लिए मैं सारा कुछ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिएगा आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये वाली संख्या यहाँ पर लिखनी है पूरी की पूरी, ये वाली संख्या लिखनी है 1 -1 0, और ये है आपका कितना, 2 और 3 और -2। देखिएगा
एक माइनस एक जीरो, दो तीन माइनस दो, अब माइनस दो जीरो एक, माइनस दो जीरो एक, ठीक है चलिएगा। आप लोग भली भांति जानते हैं, क्या जानते हो भली भांति, कि ये बेटा C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। आप जानते हैं कि भैया ये जो वैल्यू है आपकी C1 है, ये वैल्यू C3, C2 और ये वैल्यू C3, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका कॉलम पहला, ये कॉलम दूसरा, ये कॉलम तीसरा, इस तरीके से पढ़ोगे तो ये आपका क्या होती है R1 होती है, ये आपका R2 होती है, ये आपका R3 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हमको C1 C2 को रिपीट करना है, क्या करना है C1 C2 को रिपीट करना है, खोपड़ी में बैठा लो बात, सबसे पहले C1 C2 को रिपीट करना है, यानी C1 C1 की वैल्यू ये यहाँ पर ये 1 माइनस 1 जीरो, और फिर C2 को रिपीट करना है 2 3 और ये हो गया माइनस का 2, ठीक है चलिएगा। क्या किया हमने, इस C1 को यहाँ पर रिपीट किया, इस C1 को सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया ये C1 को उठाकर यहाँ पर फिर से लिख दिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि ये वाला जो आपका C2 है इसको उठाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ये काम करना है। अब इसके बाद में R1 R2 को रिपीट करना है, यहाँ पर फिर से R1 R2 लिख दो, यानी कि ये जो आपका पूरा का पूरा R1 है तो इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू एक दो, ये माइनस का दो है, ठीक है माइनस का दो, और ये वन और ये दो, यानी इस पूरे को रिपीट कर देना है यहाँ पर, फिर इस पूरे को रिपीट कर दो दोबारा से, या इस वाली चीज़ को माइनस वन थ्री जीरो माइनस एक और ये तीन, समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है इनसे अब कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है समझ गए आप। क्या किया था हमने, ये पहले देखिएगा, ये जो आपका मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है ये था तीन बाई तीन का इतना, ठीक है ये था आपका तीन बाई तीन का, मैं आपको वैसे नॉर्मली समझा दूँ कि ये वाली चीज़ थी, ये रहा जो आपको दे रखा था, हमने क्या किया इस वाली चीज़ को उठाकर फिर से दोबारा से इसके पीछे लिख दिया, इस वाली चीज़ को भी उठाकर लिख दिया, फिर इन इस पूरे को उठाकर नीचे लिख दिया, इस पूरे को उठाकर नीचे लिख दिया, तो ये काम किया है आप, ठीक है चलिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल कभी भूल नहीं सकते आप, ठीक है पेपर में भी कर दोगे इस तरीके से पूरा नंबर मिलेगा, आठ नंबर का है तो, ठीक है चलिएगा। कॉन्सेप्ट कुछ भी हो आपको ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हाँ आपने सवाल सॉल्व किया अच्छे ढंग से, ठीक है अब क्या करना है, अब आप ऐसा समझिएगा, देखो एक L, L बना दो, L कैसे बनाओगे इस तरीके से, ये ठीक है। अब ये क्या है, इन वाली संख्या से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, इस वाली चीज को आप बॉर्डर बना दिए, पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया भाई, इधर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ये वही चीज, इससे कोई भी लेना देना नहीं है आपका, जो भी काम है इनसे करना है इनसे, ठीक है। अब इनसे कैसे करोगे, अब हमें तो एडजॉइंट ए निकालना है, लो भैया एडजॉइंट ए देखो कितना सिंपल तरीके से निकलेगा, एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए देखिए, या समझ लेना इस तरीके से चलोगे तो लिखना उसको इस तरीके से होगा, चलोगे आप इस तरीके से, यानी कि हम रो में चलेंगे और उसको कॉलम बना के लिखते हैं, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं हम उसको चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। इसीलिए यदि हम इस तरीके से चलेंगे तो इसको लिखेंगे नीचे, और यदि हम नीचे चलेंगे तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ, आप इस तरीके से चलो और लिखते उसको नीचे चलो, देखो कैसे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले आप ऐसा करिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा, तीन एकन तीन, तीन एकन तीन, तीन एकन तीन, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस दो की जीरो कर देंगे, तीन में जीरो गया तो तीन आ गया, राइट समझ में आ गया। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है पहला। अब दूसरा है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, और वन की मल्टीप्लाई माइनस एक में करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, तो जीरो माइनस माइनस का एक करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वन, तो ये प्लस का वन आएगा। तो देखना आपका मन करेगा कि हम ऐसे चल रहे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का वन, नहीं हमने क्या बताया था चलेंगे तो ऐसे लेकिन लिखेंगे ऐसे नीचे की ओर, तो नीचे आ गया, ठीक है चलिएगा। अब ऐसे ही आप इसका कीजिए, माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस वन की मल्टीप्लाई, माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस दो में करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का दो आएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तीन आएगा, तो भाई प्लस का दो माइनस जीरो करेंगे
ठीक है, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस दो में करेंगे दो आ जाएगा, फिर माइनस लगाया, फिर जीरो की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे जीरो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा दो, तो दो नीचे लिखेंगे। समझ में आ गई बात? चले ऐसे रहे, लिख ऐसे रहें, ठीक है। चलिए अब इसकी बारी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई माइनस दो दूने माइनस चार, यानी प्लस का चार आया, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस दो में करेंगे तो प्लस का चार, चार आ गया, कितना आ गया चार, ठीक है चार। अब फिर माइनस लगाते हैं और ये कहते हैं दो एकन दो, दो एकन दो, चार में से दो गए दो बचेंगे, ये यहाँ पे लिखना है। अब ये चीज़ ये काम हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाए एक एकन एक, और माइनस एक एकन एक माइनस दो, माइनस दो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो, तो एक में से जीरो गया तो एक बचेगा, ओके ठीक है। ये भी काम खत्म हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, जीरो की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो जीरो आएगा, फिर माइनस, और वन की मल्टीप्लाई माइनस दो में करेंगे तो माइनस का दो आएगा, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का दो। चल ऐसे रहे हैं, लिख ऐसे रहे हैं, समझ में आ गई बात? चलिएगा अब इसकी बारी आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, दो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो कितना आएगा, दो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो आएगा, फॉर्मूला में एक माइनस होता है, तीन दूनी छः, ये कितना आएगा माइनस का छः आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का छः हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा ये काम हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस दो और माइनस एक की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का दो आएगा, फिर माइनस लगाएंगे और जीरो की मल्टीप्लाई एक में करेंगे जीरो आएगा, दो में से जीरो गया तो दो आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, एक तीय तीन हो गया, फिर माइनस, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो माइनस का दो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का दो हो जाएगा, तीन और दो पाँच, तो ये पाँच आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, तो एडजॉइंट ए निकालना आ गया होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से एडजॉइंट ए निकालना सीख गए हैं। अब एडजॉइंट ए आ गया तो खट्ट देसी ने आपको क्या निकालना था, हमें तो ए इनवर्स निकालना था, जो निकल गया भाई ए इनवर्स बराबर वन बट्टे वन, क्योंकि इसका मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है वन बट्टे वन, इस तरीके से लिख देंगे, कितना है तीन एक दो और दो एक दो और छः दो और पाँच, ये है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। यदि यहाँ पे एक बट्टे पाँच कुछ भी होता उसे लिख देते, एक बट्टे एक है तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और चाहो तो आप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बट्टे एक को लिखो या मत लिखो, तो इसलिए इसको लिखते नहीं। यदि यहाँ पर बाई द वे एक बट्टे माइनस दो आ जाता तो माइनस दो लिख देते, और एक बट्टे पाँच आ जाता तो एक बट्टे पाँच लिख देते, लेकिन हमारा यहाँ पे एक बट्टे एक है तो एक बट्टे एक लिख दीजिए या मत लिखो, आपकी इच्छा है। दिस इज योर आंसर, है ना, मतलब कितना है ना कमाल का कॉन्सेप्ट हो गया आंसर। ये आपका आंसर है वन बट्टे वन, ये वन बट्टे वन को लिखो या मत लिखिए, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना है। बोर्ड में आप ऐसे भी करके आओ तो आपको पूरा ही नंबर मिलेगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इससे ईजी कहीं पर भी नहीं मिल सकता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स में फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।